लगभग 25-26 गाड़ियां फायर पे काम कर रही हैं। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से फैलती 4-5 फैक्ट्री फैलती हुई। ये पीछे मॉल है, फर्नीचर मॉल, वहाँ तक आ गई है और लगभग 2 घंटे से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बुझ नहीं पा रही कंट्रोल। ये सारी नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कीर्ति नगर के फर्नीचर मार्केट में और आपको बता दें कि यहां पर भीषण आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह का माहौल हो चुका है। यहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और यहां पर 3 घंटे पहले आग लगी थी। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि ये आग कैसे लगी। आपका नाम क्या है? एस के दुआ, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर। सर, यहाँ पर क्या कुछ हुआ है? हमें कॉल मिली थी दिल्ली फायर सर्विस को कि 10/61 में आग है। फायर की ग्रेविटी को देखते हुए इसको मीडियम कैटेगरी का घोषित किया हुआ है। लगभग 25-26 गाड़ियां फायर पे काम कर रही हैं। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो फैक्ट्री के अंदर जो डेप्थ है बहुत ज़्यादा है। कितनी लेंथ है इसको? आप ये मान के चलो कि लगभग हो सकता है कि 70-80 फुट के लगभग है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4-5 बिल्डिंग में आग लगी है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, सेम एक ही बिल्डिंग है, यही है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, बहुत, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं काम कर रहे हैं आदमी और थोड़ी देर में ही कंट्रोल हो जाएगी। ये 2:30 बजे आग लगी थी और अभी तक आग नहीं बुझी है, तो कितना टाइम लग जाएगा और आग पर काबू पाने में? देखिए, आपको बताया कि क्योंकि लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब जो है फायर को उसके लिए किया जा रहा है। और सेकेंड चीज़ जो है, 2:30 बजे की नहीं है ये, 3:30 की कॉल है, ये 3:30 बजे की कॉल है। कितने कर्मचारी इसमें लगे होंगे? लगभग 125 के लगभग आदमी काम कर रहे हैं। रविंदर जी, ये आग कब लगी थी? 2 घंटे हो गए। कितने बजे लगी थी आग? 2:30 घंटे हो। क्या कुछ कारण था जिसकी वजह से आग लगी, कुछ पता चला है? ये साथ में है ना, कुर्सियाँ बनती हैं, उन पहले उन कुर्सियों में फर्नीचर का काम होता है, वहाँ से फिर इधर दूसरी वाली साइड में आई, फिर सारी में फैल गई। यहाँ पर पहले भी कभी आग लगी है? नहीं, पहले कभी नहीं लगी। कितनी दमकल की गाड़ी लगी थी? सारी है यहाँ पर, 7-8 गाड़ियाँ हैं अभी, 7-8 मौजूद है और उससे पहले भी आई। अब तो आग बुझ गई, अब बुझ गई। बताया जा रहा है कि 3 घंटे पहले आग लगी। हाँ, 2.5-3 घंटे, 2.5 घंटे, 1:15 बजे करीब लगी, 1:15-1:30 बजे है फर्नीचर। हाँ, तो 3:30-4:30। यहाँ पर पहले भी आग लगी है क्या? आग भी नहीं लगी, कभी नहीं लगी, इधर नहीं लगी, इस एरिया में नहीं, मेरे को तो नॉलेज में है नहीं। इधर आग लगी इधर आग पहले नहीं लगी। इस घटना पर आपका क्या कहना है? यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है तो हमारी अपनी फैक्ट्री में लगी है, 2-2.5 घंटे हो गए लगी हुई है। पड़ोसियों से आग शुरू हुई थी, ऊपर पेंट का काम होता है, उस वजह से आग जल्दी फैल गई। ये आपकी फैक्ट्री थी? हाँ, हमारा फ्लोर है एक, वो सबसे थर्ड फ्लोर विद रूफ। ये आपका पूरा थर्ड फ्लोर, पूरा फ्लोर है या सबका अलग? सबके अलग अलग हैं, 8 फ्लोर है, 8 मालिक हैं यहाँ पर। आपकी क्या चीज़ की दुकान थी ये? हमारा फर्नीचर का काम है। अच्छा, सबका फर्नीचर का? सबका फर्नीचर का काम है। कितने बजे आग लगी थी? 2.5 घंटे पहले लगी थी, तकरीबन 2:30 बजे के आसपास। बोल रहे हैं कि कितने बजे तक आग पर काबू पा लेंगे? आधे घंटे तक शायद हो जाए, आधे घंटे तक हो जाएगा। आपका नाम क्या है? अजीत कुमार। कितने शॉप में आग लगी है? शॉप नहीं, सारी सारी फैक्ट्रियाँ हैं और वहाँ जो सामने झंडा देख रहे हो आप, वहाँ सबसे पहले वहाँ पर आग लगी थी, उसके बाद यहाँ से फैलती 4-5 फैक्ट्री फैलती हुई। ये पीछे मॉल है, फर्नीचर मॉल, वहाँ तक आ गई है और लगभग 2 घंटे से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बुझ नहीं पा रही कंट्रोल। ये सारी फर्नीचर की फैक्ट्री है क्या? फर्नीचर भी है, कुछ वैसी फैक्ट्रियाँ भी हैं, स्पोर्ट भी है, हर चीज़ इंडस्ट्रियल भी है, मतलब हर तरह की फैक्ट्री है। शॉप लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा लंबा शॉप है। हाँ, पीछे फैक्ट्री है, शॉप नहीं है सर, फैक्ट्रियाँ हैं बटी हुई आपस में, जैसे राजेंद्र मेटल है, ये सामने आप देख रहे हो मोहन इंडस्ट्रीज है, ऐसे ऐसे कर रहे वहाँ तक। तो कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आई है? इस टाइम 15-16 गाड़ी आ चुकी है अब तक 2 घंटे में। और कोई हताहत भी हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं है, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है इसके बारे में। वैसे कोई हताहत है नहीं इसमें। कुछ कारण पता चला आग लगने का? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट? हाँ, ये सब एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई है।
मैंने यहाँ पे मौजूद रहकर लोगों से बात की और जानने का प्रयास किया कि ये आग कब लगी थी। तो लोगों का कहना है कि 2:30 बजे के आसपास ये आग लगी थी, उसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी जाती है, दमकल विभाग यहाँ पर पहुँचते हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं। 2:30 बजे आग लगी थी और अब 5 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। यहाँ पर दमकल विभाग का कहना है कि अभी आधे घंटे से ज़्यादा और लग सकता है आग पर काबू पाने में। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को मशक्कत करनी पड़ रही है और आग पर काबू पाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।